हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज आप लोगों को नई भर्ती यानी कि इसरो, जो इसरो में नई भर्ती के लेकर के आज नई अपडेट लेकर के आ गए हों दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वैकेंसी आई है नई भर्ती, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की तरफ से जो अपर डिविज़न और पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी आई है उसको फुल डिटेल देने वाला हूँ दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, इसरो इसरो में नई भर्ती आ गई है दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे पूरा पूर्ण जानकारी के साथ डाल दिया हूँ दोस्तों, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ टोटल पोस्ट बता दूँ दोस्तों, 526 पदों पर नई भर्ती आई है। और ये जो एप्लीकेशन, इसका अप्लाई डेट है दोस्तों 20/12/2022, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है और 9/1/2023 तक इसका है दोस्तों। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसका फुल क्राइटेरिया आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन यानी कि कोई सभी, यानी कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, कोई सभी आप अगर ग्रेजुएशन की डिग्री करके बैठे हो तो आप जाकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए कोई मानक, या तो फिर आप अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी नहीं है ना, तब भी आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया की बात करें, एज क्राइटेरिया आपको बता दूं, 18 से 28 साल के बीच अगर आपका एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी हो तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा दोस्तों, ये आप जान लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये है एग्ज़ाम फ़ी, और एससी एसटी और जो पीएच कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट है उनको छूट है दोस्तों, उसको कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस एकदम ईजी है दोस्तों। पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जैसे सब जगह होता है रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, और ये होगा स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जरूरी होता है दोस्तों, तो इतना सारा होगा दोस्तों। और अगर आपने इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, पोस्ट है इसमें असिस्टेंट का पद है दोस्तों, पर्सनल असिस्टेंट का पद है दोस्तों, और अपर डिविजनल क्लर्क का पद है दोस्तों। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल 4 मिलेगा दोस्तों, आपको सैलरी रहेगा 25,500 प्लस जो अलाउंस मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। तो ये थी इस परीक्षा की जानकारी दोस्तों। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पूरा सिलेबस आप अगर देखना चाहते हैं, सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं दोस्तों, वहां पे जा करके आप देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं यानी कि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इतना तो कर ही सकते हो यार। और साथ ही साथ आप लोगों को नई नई अपडेट, नई नई वैकेंसी के बारे में जानकारी डेली मिलते रहेगी दोस्तों। तो ये थी आज की अपडेट दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए